बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है इस टाइम। हम हैं इंडिया गेट पे और डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। इस टाइम चल रही है हल्की हल्की, आप देख रहे होंगे सामने जो म्यूज़ियम है उसके पास ऊपर पूरे बादल ही बादल और पत्ते जो है ना उनकी बारिश हो रही है, धीमी धीमी बारिश। तो ऐसा मौसम काफ़ी अच्छा लगता है जब पत्तों की बारिश हो और पतझड़ चल रहा हो। इस टाइम पतझड़ चल रहा है, जो पत्ते यानी कि पीपल वगैरह के नीचे झड़े थे वो अब झड़ने शुरू हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा खुशगवार मौसम इस टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं अब वापस घर। सुबह से निकले हुए, सुबह से तो नहीं, 1 बजे निकले थे नमाज़ पढ़ के घर से, और अभी हमारी कज़ा हुई है मगरिब की और असर की, तो अब हम उसको अभी देखते हैं। अगर मैं यहीं रुका निज़ामुद्दीन पे रुकते हैं और निज़ामुद्दीन पे मैं उसको नमाज को अदा करता हूँ। आज हम ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से डिस्कस करना था मम्मी की कंडीशन के बारे में, तो ज़्यादा यानी कि स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में फिर आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है कि इधर उधर आपका कंसंट्रेशन लगता है। अभी फ़िलहाल हम घर पे आके लेटे हुए हैं, रात के बजे हैं तकरीबन 10 और हालत टाइट हो गई है। सुबह से निकले हुए, रोज़ा भी मुझे रास्ते में करना पड़ा और फिर आके घर पे जो कज़ा नमाज थी वो अदा करी। तो जब आपके घर में बीमार हों यानी कि पेशेंट्स हों तो आपकी लाइफ जो है ना ट्रबल, यानी कि आपको ये नहीं पता होता कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो कब आप वापस आओगे, कब क्या है, कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर सही नहीं है। तो बहुत एनालाइज करना पड़ता है एक एक डॉक्टर की बात को। और जब क्रिटिकल डिजीज़ हो यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो तो उस केस के अंदर आपको और ज़्यादा पेशेंस और ज़्यादा तवज्जो के साथ काम करना पड़ता है। आप कोई भी मेडिसिन ऐसी आंख बंद करके नहीं दे सकते, तो यही हमारे केस में है। तो आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। बी एल के मैक्स से फिर शालीमार बाग, तो पूरा टाइम इसी में एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि इतना टाइम ही नहीं मिला। हर डॉक्टर जो होता है वो अलग बात करता है, कोई सीवियरिटी समझाएगा, कोई मोबिलिटी जो होती है यानी कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बताएगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट। तो अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज हमारे 4000 घंटे पूरे हो गए हैं, अब 4000 में 16 घंटे रह गए, यानी कि कल तक ऑलमोस्ट 4000 घंटे हमारे पूरे हो जाएंगे और हम अपने चैनल को मोनेटाइजिंग के लिए भेज देंगे। उधर ही हमारे 17000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, जो हमारा KM ऑटो कार्स चैनल है उसके ऊपर, और इसके ऊपर 1160 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और घंटे इस पे पूरे होने वाले हैं। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मैं KM ऑटो कार्स को भी मोनेटाइजेशन पे डाल दूँ। तो उम्मीद करते हैं अच्छे के लिए, मिलते हैं कल के ब्लॉग।